गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास, आई एम रुचि गुप्ता, योर मैथ्स टीचर. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 6. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF. DE और EF दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है. फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड आपको निकालनी है. DE नीचे लेना 3 सेंटीमीटर, ई के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है डी से, उसकी एक डॉट लगा लेना, फिर उसे 5 सेंटीमीटर से कट कर देना, डी और एफ को मिला देना. क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है. 8th क्वेश्चन में आपको करा रही हूँ, 7th क्वेश्चन इज योर होमवर्क. 8th क्वेश्चन में पी क्या और क्या हुआ दोनों सेम है आपकी. हमने नीचे पी आर ली 3 सेंटीमीटर, स्केल से ऐसे मेजर करके 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ली, दोनों तरफ डॉट लगाएंगे, दोनों तरफ डॉट लगाई, लिखोगे पी आर 3 सेंटीमीटर. आर पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, डी रखी हमने 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है. यहाँ पे एक डॉट लगाई, लाइन डाल के हमने यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया. उसके बाद क्या हुआ, आपकी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर कंपास खोली, आर पे रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई आपने, ये पॉइंट आ गया आपके पास क्यू, स्केल से पी और क्यू को मिला दिया, स्केल से पी क्यू को मिला दिया, ठीक है, पी क्यू आर आपका ये बन गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी. बी सी आपको गिवन है और बी और सी दोनों पे आपको एंगल गिवन है, ठीक है. पहले आपने बी सी ली 6 सेंटीमीटर, स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लगाई, ठीक है. दोनों तरफ पॉइंट बनाया बी सी 6 सेंटीमीटर. बी पे आपका एंगल है 7 सेंटीमीटर का, बी पे ऐसे हमने डी रखी, 7 सेंटीमीटर के डॉट लगाई, ऐसे करके इस डॉट से मिलाते हुए लाइन लगाई. सी पे 60 सेंटीमीटर का कंपास रखी, 60 है ये, एक डॉट लगाई यहाँ पे, इस डॉट को दोनों को मिलाते हुए ऊपर ले गए. इन दोनों लाइंस को ऊपर लेके जाओगे, ए पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है. अब आपको थर्ड एंगल निकालना था. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180. 70 + 60 = 130. 180 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री. अगर इसको मेजर करेंगे आप तो भी ये 50 डिग्री आएगा. इसको ऐसे करके मेजर करेंगे आप, डी रखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, देखो इस पॉइंट के ऊपर डी, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट आएगा, देखो 50 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का आपका 50 डिग्री का. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 10th क्वेश्चन में आपको ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए पी एंगल है, सी पी एंगल है, एंगल बी आपको गिवन नहीं है. देखो एंगल बी कैसे निकालेंगे, ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 40 और एंगल सी 45. अब एंगल बी आपको निकालना है, दोनों एंगल को प्लस किया 85, 180 में से माइनस किया 95, तो एंगल बी पे आपका 95 डिग्री का एंगल है. ए बी लिया हमने 5 सेंटीमीटर, स्केल रखा, 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगाई, दोनों तरफ डॉट लगाई, ए बी 5 सेंटीमीटर. ए पे आपका 40 सेंटीमीटर का, ए पे हमने ये रखी प्रोटेक्टर, 40 सेंटीमीटर के आपको यहाँ डॉट लगानी है, 40 डिग्री का एंगल है, देखो 40 डिग्री का एंगल, एक डॉट लगाई, इस डॉट के साथ मिलाते हुए लाइन लगानी है. बी पे आपका 95 डिग्री का एंगल आपने निकाला था, ये देखो 90 से बड़ा है, तो 95 की डॉट लगाई, इसको इस डॉट को और इस डॉट को मिलाते हुए एक लाइन लगाई हमने. दोनों लाइनें कहाँ पे जाके मिली, सी पॉइंट पे. सी पॉइंट को आप मेज़र करेंगे, हमें सिर्फ मेज़र करके चेक करना है कि ये हमारा सी पॉइंट आपको गिवन है 45. आप चेक कर सकते हैं कि ये 45 का है हमारा, यस देखो सी, ये बिल्कुल सीधी लाइन, इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट ही आपका 40 और 50 के बीच में, देखो 45 डिग्री का एंगल आ गया आपका सी 45. 11th क्वेश्चन में ए बी बी सी और ए सी आपको तीनों साइडें गिवन है,
आपको बताना है कौन से टाइप का ट्रायंगल है। हमने नीचे ए बी ली 8 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने कंपास खोली, बी पे 6 सेंटीमीटर की कंपास खोली हमने स्केल से मेजर करके, बी पे रखे हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, फिर हमने 10 सेंटीमीटर की कंपास खोली, ए पे रख के उसी को हमने कट कर दिया। जहाँ पे आपकी दोनों आर्क कट होती हैं एक पॉइंट बनता है सी, स्केल लिया इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया, ए पॉइंट और सी पॉइंट को मिला दिया आपने स्केल से। उसके बाद आप देखेंगे बी पे बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, इट मीन्स बी पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल बी 90 डिग्री का है, इट मीन्स ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 13.2 कंप्लीट करनी है, सारे क्वेश्चन आपको जैसे मैंने कराए हैं वैसे करने हैं आपको। ठीक है, ट्रायंगल में आपको लाइन सेगमेंट लगाओगे, सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट बनाना है, उसका नाम लिखना है ए डी, क्योंकि जब आप एंगल बनाते हो बेटा तो डॉट के ऊपर आपको डी रखनी होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।